बहुत ही सारे आई मीन एस्टिमेट ही कर रहा हूँ मैं, बट एटलीस्ट 100 तो दिए होंगे कंप्लीट पेपर्स, मतलब 3 hours पेपर्स एटलीस्ट 100 दिए होंगे। सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है अनंत लोनिया, रैंक 3 JEE। तो आज कुछ प्रश्नोत्तर कर रहे होंगे हम जनाब के साथ। तो कैसे लग रहा है घर में सबको, मम्मी पापा खुश? सब खुश है। घर में कितने भाई बहन हो आप? मेरी एक छोटी बहन है। मैं अपने पेरेंट्स और दादी के साथ रहता हूँ। पेरेंट्स और दादी के साथ, तो कब से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन? काफ़ी बच्चे होते हैं जैसे कि 5th 6th में अपना थोड़ा 7th 8th का पढ़ लिया, 6th 7th 8th 9th में आए तब अपना 11th 12th थोड़ा करना स्टार्ट कर दिया। तो कितने साल आपको हो गए इस रेस में भागते हुए? मैंने कोचिंग तो अपनी 10th में ज्वाइन करी थी, पर मतलब उसमें JEE का तो ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, और जो ओलम्पियाड्स और एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान होता था, NTSC जैसे। तो प्रॉपर JEE के लिए तो 11th से ही शुरू करा, पर मैंने उससे पहले भी मैंने थोड़े मैथ्स कॉम्पिटिशन वगैरह दे देता था, उससे फ़ायदा तो हुआ, मतलब उतना अच्छा नहीं करता था पर दे देता था। उतना अच्छा मतलब क्या रहता था? मतलब दिल्ली में भी मतलब टॉप 10 नहीं आया हूँ कभी भी उस पॉइंट, तब तो दिल्ली में भी टॉप 10 नहीं आया। बड़े दुख की बात है यार, ये जान के इतना दुख हुआ, वहाँ पे कैमरा के दूसरी तरफ जितने बच्चे बैठे सबका रो रो के बुरा हाल, आंसू नहीं रुक रहे उन सभी बच्चों के। पिछले 3 साल की प्रिपरेशन की जो मेहनत है, इसमें ऐसी एक चीज़ कौन सी थी जो कि आपको लगता है कि यार ये मैंने करी और शायद मेरे दोस्तों ने नहीं करी, या ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ थी बाकियों की नहीं थी? मुझे सब्जेक्ट्स काफ़ी पसंद थे, मतलब ऐसा नहीं है और किसी को नहीं पसंद थे, पर मतलब एटलीस्ट फिज़िक्स और मैथ्स में मुझे उतनी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मतलब जहाँ पर ऐसे अगर मैं कुछ कर रहा होता जो मुझे उतना पसंद नहीं है करना, तो मैं प्रॉब्ली उतने अच्छे से नहीं कर पाता। तो मतलब ट्राई करा मैंने अपने आप को कि इंटरेस्ट खुद जगाने की ट्राई करी मैंने, और था अभी मतलब पहले से ही था इंटरेस्ट। 10th क्लास से ही था, 11th से था, 12th में आया, पहले बचपन से पढ़ाई में इंटरेस्ट है। फिज़िक्स तो मुझे फैसिनेटिंग लगती थी काफ़ी पहले से, पर मतलब तब तो बस सुनते ही हो फिज़िक्स के बारे में, एक्चुअल में करते नहीं हो। तो जैसे करता रहा तो इंटरेस्ट बढ़ता रहा, मतलब अच्छा ही लगा मुझे। तो IIT के अंदर आपने CS लिया है दिल्ली में, तो आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या प्लेसमेंट सोचा है, या अभी बस CS में सबसे ठीक प्लेसमेंट है तो कॉलेज ला के देखूँगा, कुछ रिसर्च वगैरह करना है? नहीं मतलब पहले जब मैं 11th में था तब मेरा एम था कि मैं KBBY में अच्छी रैंक ले आऊँ, फिर IIS चले आऊँ फिज़िक्स में रिसर्च करने के लिए। पर फिर मैंने और लोगों से बात करी तो मुझे लगा कि मतलब मुझे फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट तो अभी भी बहुत पसंद है, पर मुझे लगा मैं रिसर्च में मिलने नहीं है एटलीस्ट फिज़िक्स में। पर अभी मैंने खुद से ऐसा बोलना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद से तो कुछ अब तक रिसर्च करना ट्राई नहीं कराना उतना, तो कॉलेज में वो ट्राई करूँगा। मतलब बेसिकली कॉलेज जाकर मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहूँगा, फिर देखूँगा कि क्या करना मेरे लिए बेस्ट है। पेरेंट्स का क्या रोल रहा है इस पूरी प्रिपरेशन में, मम्मी पापा इंडिविजुअली दोनों का? पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, मतलब मुझे प्रॉब्लम होती थी तो उनके पास ही आता था कुछ भी। कैसी प्रॉब्लम? मतलब जैसे किसी टेस्ट में गंदे मार्क्स आ गए, या फिर मतलब कोई टॉपिक थोड़ा, मतलब वो तो उन्हें सब्जेक्ट की तो उतनी नॉलेज नहीं थी, बट सपोर्ट करने का उन्होंने हमेशा बेस्ट ट्राई दिया अपना। तो और बस क्या सपोर्ट करती थी, पापा क्या सपोर्ट करते थे? मतलब एक तो वही है कि कोचिंग से स्कूल और वो सब तो वही ड्रॉप ऑफ करते थे, ये तो था ही। और यही था कि मतलब ऐसा, मतलब जस्ट द फैक्ट कि वो थे उधर, वो कम्फर्टिंग था मेरे लिए काफ़ी। डिस्ट्रैक्शन से कैसी चीज़ है जो कि पिछले 2 साल में बच्चे अपने घर में रहे, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, इस डिस्ट्रैक्शन ने आपके कभी असर पड़ा? कि पहले आपका प्रॉपर एक ऑफलाइन मोड था, उसके बाद आपको अपने सिग्निफिकेंट 1 साल की प्रिपरेशन ऑनलाइन मोड में करनी पड़ी, दोनों में क्या डिफरेंसेस रहे, क्या क्या लर्निंग रही? जो हमारी एक्चुअल क्लासेस थी उनमें तो उतना डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि मतलब ऑनलाइन भी हमने एडजस्ट कर ही लिया था, बस थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो तो माइनर चीज़ है। डिस्ट्रैक्शन तो हाँ, मतलब थोड़े मैंने मतलब ज़्यादा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ लॉकडाउन में, पर मुझे टाइम भी ज़्यादा मिल गया क्योंकि स्कूल का उतना प्रेशर नहीं था तब, तो आई थिंक मोर देन कॉम्पनसेट हो गया स्कूल ना होना, जिस टाइम के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट होता भी था। मैं नेट मैंने ज़्यादा ही पढ़ाई करी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। गेम्स वेम्स खेलने की लत पड़ी आपको, सोशल मीडिया हैंडल्स, पर्सनल मोबाइल था आपका? हाँ मोबाइल तो था मेरा, क्योंकि मतलब एक तो पहले भी था ही मेरा, ऑनलाइन मोड के लिए तो ज़रूरी भी था मोबाइल। हो गेम्स में पहले खेलता था मैं, 10th में काफ़ी खेलता था, 11th और 12th में उतना नहीं खेला। मतलब मैं
यूजुअली तो रिलैक्स करने के लिए टीवी सीरीज या मतलब एनिमे या कुछ देख लेता था। गेम्स तो वंस इन अ वाइल खेलता था अगर कोई दोस्त बुला ले या कुछ, बट रेगुलरली नहीं खेलता था। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके स्लीपिंग आवर्स फिक्स्ड होते थे कि आप मैं दिन में पढ़ाई करूँगा, रात को सो जाऊँगा, सोऊँगा तो 12-1 बजे के करीबन सो जाऊँगा, या फिर इसके ऊपर क्या है? काफ़ी बच्चे जिनका स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाता है, आपका फिक्स था? हाँ मतलब एब्सोल्युटली फिक्स तो नहीं था, पर मैंने मतलब अपने लिए ऑब्जर्व करा था कि मैं रात को ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ और मतलब रात को शोर भी कम होता है घर पे, तो मैं यूजुअली जब प्रिपरेशन या फिर कोई मेरा टेस्ट नहीं हो रही मतलब या फिर स्कूल या कुछ नहीं जाना हो तो मैं यूजुअली लेट ही सोता था, मतलब अगर छुट्टियाँ चल रही हैं, मतलब ऑन एवरेज 2:30 के अराउंड सोता था रात को। 2:30 के अराउंड और डिनर कितने बजे करते थे? हाँ 8-8:30। बार भूख नहीं लगती थी? 2:30 पे कुछ कुछ खा लेता था, मतलब ऐसे तो नहीं लगती थी, आदत ही हो गई थी। स्पेसिफिक पूछना जरूरी है, आपने बोला ना लेट नाइट, तो काफ़ी बच्चे फिर 5 बजे तक बैठ के पढ़ाई करते हैं, 6 बजे तक। ऐसे में ये चीज़ यार आपको ध्यान रखनी है, जो चीज़ किसी एक के लिए वर्क करी उस पर आप कितना बैलेंस और कंट्रोल बना पाते हो। मेजॉरिटी बच्चों के साथ ये इशू हो जाता है कि अच्छा भाई 2-3 बजे वापस भूख लगनी स्टार्ट हो गई है और अब अपना किचन के अंदर जाते हैं और फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। मूवीज़ लास्ट कौन सी देखी या देखते रहे पूरे दौरान? मतलब बाहर तो कम ही जाता था देखने, घर पे तो मैं मोस्टली टीवी शोज ही देखता था, मूवीज उतनी देखता भी नहीं था। कितने टीवी शो देखे होंगे 11 12th में लाके? 10-15 तो देखे ही होंगे मिनिमम। वही था कि ज़्यादा टाइम तो या ऐसा नहीं करता था कि मैं बिंज वॉच कर लेता था पूरे दिन, रेगुलरली देखते रहता था, मतलब फैमिली के साथ भी बैठ कर देखता था, तो वो तो मतलब 1 घंटा तो वो फिक्स ही रहता था हमारा कि मैं बैठ के उनके साथ देखूंगा। ट्रैक कौन करता था कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई ठीक चल रही है, आप सेल्फ ट्रैक करते थे या पेरेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते थे? मेरे पापा काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे मेरे मतलब परफॉर्मेंस में, टेस्ट वगैरह जो होते रहते थे और उनसे आइडिया तो मिलता ही रहता था कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। खुद को भी ऑब्वियसली ट्रैक करना तो ज़रूरी है, मतलब खुद को मैंने देखा कि मेरा क्या वीक है, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, वो सब तो करा है। वरना कोचिंग भी ट्रैक करती थी, मतलब वो हमारे टीचर्स सजेशंस देते रहते थे हमें देख कर कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। अच्छा यार ये चीज़ कितनी ट्रू है कि जैसे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ता है कि यार ये बच्चे ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका एडिशनल आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो लास्ट के वो जो कुछ 6 महीने थे 4 महीने थे 3 महीने थे उसमें कितनी रिग्रेस आपकी पढ़ाई होती थी, टीचर्स कितना ध्यान देते थे उस पॉइंट? मतलब हमारा सिलेबस तो मतलब काफ़ी टाइम तक ख़त्म हो चुका था, हमारा सितंबर 2020 में ख़त्म हो गया था सिलेबस, तो ऐसा तो नहीं था कि मतलब वो कुछ ज़्यादा नया पढ़ाएंगे उस पॉइंट पे। तो बेसिकली ऐसा होता था कि हम कुछ वो एक तो हमें असाइनमेंट्स देते रहते थे अपनी तरफ से, फिर अगर हमें किसी टॉपिक में प्रैक्टिस चाहिए या फिर किसी भी टाइप की कोई टेस्ट पेपर या कुछ चाहिए प्रैक्टिस करने के तो मांग लेते तो दे देते थे, फिर वंस अ वीक हमारी डाउट क्लासेस होती थी। तो सेप्टेम्बर के बाद एक तरह से सेल्फ स्टडी रही है? हाँ मोस्ट मतलब सेप्टेम्बर के बाद थोड़ा सा हमारा रिविजन हुआ था 1-2 महीने का, और उसके बाद से जब तक एडवांस तक क्योंकि खिंच भी काफ़ी गया था तो सेल्फ स्टडी रही थी। कितने आवर्स आपके वीकली होते थे जो कि सेल्फ स्टडी के होते थे, ट्यूशन हटा के, पर्सनल ट्यूशन हटा के? नंबर तो मतलब वेरी करेगा 11th और 12th में, क्योंकि 11th में स्कूल होता था। कितना जिस दिन छुट्टी होती थी मेरी उस दिन मैं 5-6 आवर्स तो कर ही लेता था मिनिमम उसके, बट जिस दिन स्कूल और कोचिंग होता था उस दिन मैं बहुत थक जाता था, तो प्रिटी मच नहीं करता, बस जो कोचिंग में पढ़ाया वो रिवाइज कर लेता था और बाकी नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं घर ही मतलब 9 बजे या कुछ पहुंचता था, तो स्कूल के बाद और फिर कोचिंग भी, तो उसमें तो ज़्यादा नहीं हो पाता था। क्या आपको लगता है कि काफ़ी बच्चे कहते हैं मैं 8-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप कह रहे हो 5-6 घंटे में एक ठीक रिजल्ट आता था, तो क्या वो एक पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने का या कोचिंग इंस्टीट्यूट ने टाइम पर वो चीज़ ख़त्म कर दी तो आपको रिविजन करने का समय मिला, या आपके वो 6 डेडिकेटेड आवर्स होते थे और बाकी शायद बच्चों के उतने डेडिकेटेड ना हो, क्या रीज़न लगता है? हाँ आपने जो लास्ट चीज़ बोली कि वो डेडिकेटेड, मतलब मैं काफ़ी मतलब एक तो ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता था कि मैं बस ट्राई करता था कि मैं वही क्वेश्चंस करूँ जो मुझे मुश्किल लग रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली कुछ सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री है उसमें तो आपको रटना पड़ेगा तो वो उसमें नहीं होता था, लेकिन जैसे फिजिक्स और मैथ्स में वही क्वेश्चन मतलब मैं वैसे क्वेश्चन ढूंढने की ट्राई करता था जो मुझे मुश्किल लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं करता था कि मैं मतलब कुछ लोगों का होता है कि मेरे साथ भी हुआ था कि मैं किसी चीज़ को कम्प्लीट करो तो उससे अच्छी फीलिंग आती है, पर वो थोड़ा डिटरमेंटल भी हो सकता है क्योंकि अगर आपसे इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं और उस बुक में 100 और इजी क्वेश्चंस हैं तो आप वो करोगे तो आपको प्रॉबेबली उतना ज़्यादा गेन नहीं होगा ना जितने आप मे बी 10 काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस कर लो। ऑब्वियसली शुरू में स्टीप लर्निंग कर्व होता है और
मतलब मुश्किल तो होता है, सोल्यूशन वगैरह देखने पड़ते हैं कभी कभार, पर आई थिंक उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है काफ़ी रिलेटिवली. मतलब अगर आप एक क्वेश्चन पे आधा घंटा भी लगा रहे हो और लेकिन आप उससे मतलब नई नई चीज़ें सीख रहे हो, जैसे मतलब आपने देख लिया कि इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो आप इस इक्वेशन को, या फिर ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना ज़रूरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओ तो अच्छा रहेगा, तो ये काफ़ी मतलब जनरल चीज़ें जो और प्रॉब्लम्स में भी अप्लाई कर लेती हैं कभी कभार, और ऊपर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका अगर आप हार्ड क्वेश्चंस करते हो. तो बस मैंने यही ट्राई करी कि और ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे हार्ड क्वेश्चन कर लूँ, मुझसे होने नहीं वाले, दो तीन घंटे एक क्वेश्चन पर तो नहीं लगाता था मैं, पर ट्राई करता था कि जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो मुश्किल लग रहे हैं मुझे, तो उससे मतलब इम्प्रूवमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, मतलब ऑलमोस्ट ड्रामेटिकली बोल सकते हो बढ़ सकता है. मतलब कितने सैम्पल पेपर्स लगभग निकाल लिए थे फुल टेस्ट पेपर से पहले? बहुत ही सारे, क्योंकि आखिरी दो तीन महीने तो टेस्ट ही दे रहा था मैं प्रैक्टिस के लिए भी. मेंस के कितने, एडवांस के कितने? मेंस पे तो मतलब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं उसके भी प्रिपरेशन तो करी, मतलब आखिरी दो हफ्ते मैंने मेंस पे ही लगाए थे मेंस से पहले, और मुझे पता था कि मतलब इतना कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरा मेंस अच्छा चले जाना चाहिए, और मेरा गोल तो हमेशा एडवांस ही था, तो मैंने मेंस के लिए वो टॉपिक्स पढ़े जो एडवांस सिलेबस में नहीं है, मतलब सेमीकंडक्टर्स या ह्यूमन आई टाइप चीज़ें पढ़ी, और फिर मेंस के जो मॉक टेस्ट थे पिछले साल के वो काफ़ी वही बहुत सफिशिएंट है मतलब मॉक टेस्ट के लिए, तो स्पेशली जो अगले साल देने वाले हैं उनको तो बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स हैं, तो वही काफ़ी थे. लगभग कितना नंबर आपने मेंस के लिए सैम्पल पेपर इतने मैंने कर लिए? 10, 20, 30, 40? 20 कर लिया, 20 के करीब. और एडवांस के लिए मतलब आप एग्जैक्टली सैम्पल पेपर से क्या मतलब है आपका? फुल टेस्ट, क्योंकि फुल टेस्ट हो गए, या फिर भाई जैसे आपका पिछला पास्ट 40 ईयर्स आता है वो कर लिया होगा? हाँ वो तो करा था मैंने, मतलब प्रीवियस ईयर मुझे मेरी कोचिंग से आर्काइव मिलती थी जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते थे प्रीवियस ईयर्स के, तो मतलब जो चैप्टर क्लास में होता था वो उसके बाद मैं वो कर लेता था. और कंप्लीट पेपर्स कितने दिए? बहुत ही सारे, आई मीन एस्टिमेट ही कर रहा हूँ मैं, बट एटलीस्ट 100 तो दिए होंगे कंप्लीट पेपर्स. मतलब 3 hours पेपर्स एटलीस्ट 100 दिए होंगे कंप्लीट. 6 hours, क्योंकि मैं 6 hours के लिए बैठना तो मैंने थोड़ा लेट ही स्टार्ट करा था, यूजुअली मैं 3 hours का टेस्ट देता था वो काफ़ी, तो 3 hours के मैंने मतलब 100, 150 तो दे ही दिए होंगे. 100, 150, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टेस्ट से ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है स्पेशली मैथ्स में, बाकी दोनों में तो बुक्स और वो इम्पोर्टेंट है, पर मैथ्स में तो टेस्ट से बेटर रिसोर्स तो नहीं मिला. ये चीज़ किसने कही कि 100-150 पेपर निकालो इससे हमारी प्रिपरेशन ठीक हो? क्या आप या आपका पूरा बैच ये निकाल रहा था जो? हाँ मैं मोस्ट जो ये 100-150 बोल रहा हूँ मैं, वो तो कोचिंग से ही होंगे, क्योंकि मतलब क्योंकि आखिरी 3-4 महीने इतना खिंच गया था सब कुछ, तो टाइम तो था नहीं, मतलब टाइम तो बहुत था, तो फिर टेस्ट ही करते थे हम, मतलब वंस अ वीक आई गेस 5-6 3-hour टेस्ट तो हो जाता था. वंस अ वीक 5-6, तो मतलब हर दिन लगभग संडे छोड़ के. ठीक है, तो यहाँ पे अब जब हम देखते हैं यार कितने नंबर ऑफ रिविजन्स हो गए, तो हर एक पेपर एक तरह से एक उस चैप्टर का रिविजन हो जाता है आपका, तो एक तरह से आपने 100 रिविजन्स लगभग मार लिए, और उससे पहले आपने जो थ्रू आउट द ईयर 2 साल जो पढ़ाई करी उसके अंदर जो आपकी पढ़ाई रही, तो ऐसे आप रहो तो दिन में 6 घंटे की भी आपकी पढ़ाई काफ़ी ठीक होती है. प्रिपरेशन स्टार्ट कब हुई थी फिर? 10th में ही हो गई थी, 11th के Jan-Feb-March? जैसे जो 10th के बोर्ड्स में जो टॉपिक्स हैं उसका थोड़ा थोड़ा हमें 11th-12th का पढ़ा देते थे जो रिलेटेड चीज़ें होती थी, बट एज सच कोई 11th-12th का फुल ब्लोन टॉपिक नहीं करवाते थे हमें 10th में, तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प हो गई, जैसे वेक्टर्स वगैरह पढ़ा दिया था, तो वेक्टर्स तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो हेल्प करे, पर मेन प्रिपरेशन 95% या कुछ तो 11th-12th में ही हुई. तो कब स्टार्ट किया 11th में? 10th बोर्ड्स ख़त्म हुए आई थिंक एक महीना भी नहीं होगा उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हो गई. हाँ अप्रैल में हो गई. और फिर ख़त्म कब हो गया था 11th का सिलेबस? हमारा 5 phases होते थे, 3 phase 11th में, 2 phase 12th में, तो ऐसा था कि जो 3 phases का सिलेबस था वो जैसे NCERT में जो 11th का है उससे थोड़ा ज़्यादा ही था, बट लगभग 1 साल में ही हुआ था 11th का सिलेबस ख़त्म, या फिर 1 साल से थोड़ा सा कम, 10 महीने मान लो. और 12th का फिर सेप्टेम्बर अगले तक हो गया था? सेप्टेम्बर, मतलब बेसिकली मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ था, मतलब आखिरी फेज टेस्ट हुआ था, उसके अगले हफ्ता एडवांस था, मतलब उस दिन एडवांस था. ठीक है, पिछले साल वालों का. हाँ तो ये आगे आपके सामने काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो इनमें से काफ़ी घबराए हुए भी अपने आगे साल की प्रिपरेशन देख के, काफ़ी स्कूल और अपने कॉम्पिटिशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो एक चीज़ क्या बोलना चाहोगे कि अपने जूनियर्स को जो वो ध्यान में रखें? एक तो यही कि अपने लेवल से
ऊपर के प्रॉब्लम्स करो थोड़े, मतलब जो आपको एक्चुअल में चैलेंज करे, आपको इंस्टेंटली नहीं पता चल रहा कि कैसे करने हैं वाले, क्योंकि मतलब कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना ही चाहिए। और यही कि जो भी आप उस दिन करो एक बार अपने मन में दोहरा लो कि मैंने आज क्या क्या करा, और हो सके तो मतलब दिन के शुरू में टारगेट भी बना लो कि आज क्या करना था, और फिर देख लो दिन के एंड में देख लो कि जो भी मैंने करा आज उसे मैं बेटर कर सकता था, ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता था क्या, और ये जो चीज़ें मैंने अभी सोची हैं इस चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंटली करने के बारे में, और किसी टॉपिक पे कर सकता हूँ। क्योंकि आपने जैसे मान लो फिज़िक्स में आप शुरू में काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हो, उसके जो जैसे आप कर रहे हो, जो आपको टेक मतलब अपनी हैबिट्स ऑब्जर्व करी आपने, या फिर जैसे पढ़ने का तरीका आपको आपने सोचा कि मैं ऐसे करूँगा तो आई थिंक मैं ज़्यादा सीखूंगा, वो प्रॉब्ली आगे के मैकेनिक्स के चैप्टर्स में भी काम आएगा, क्योंकि रिलेटेड ही है मतलब ब्रॉडली। इसी के साथ जनाब आज का ये सेशन समाप्त करना चाहेंगे, और अनंत आई होप आप अपना IIT दिल्ली के सफ़र में कंप्यूटर साइंस पढ़ते पढ़ते काफ़ी नए नए एक्सपीरियंस देखें, और यही है यार आप ही हो यूथ जो कि आने वाले समय में काफ़ी सारी नई चीज़ें कर रहा होगा, सोलोप्रेन्योरशिप में जा रहा होगा, नए नए डोमेन्स को एक्सप्लोर कर रहा होगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी या।